News 18, India. और ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आप शंभू बॉर्डर से देख रहे हैं, जहां पर फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, किसानों का लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। शंभू बॉर्डर पर कई आंसू गैस के गोले दागे जा चुके हैं। हंगामा करने पर पुलिस की ओर से एक्शन भी लिया जा रहा है। ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और ऐसे में किसानों की ओर से एक तरीका भी निकाला गया कि वहां पर पतंगबाजी की जाए, जिससे कि पतंग से ड्रोन को गिरा दिया जाए। एक तरीका निकाला जरूर गया था, लेकिन क्योंकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और पिछली बार से सबक लेते हुए अब की बार सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि खनौरी बॉर्डर की बात करें, डबवाली बॉर्डर की बात करें, लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति शंभू बॉर्डर पर खराब होती दिखाई दे रही है। पुलिस लगातार वहां पर मौजूद है। सरकार की ओर से एक इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, बार बार कोशिश की जा रही है कि किसानों से बात किया जाए। मान मनोवल हो रहा है, बातचीत की कोशिश हो रही है। बातचीत की कोशिश से समाधान निकालने की सरकार बार बार कोशिश कर रही है, और इसीलिए इनिशिएटिव लेते हुए पांचवें दौर की बातचीत की बात भी सरकार की ओर से की गई थी। लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से बवाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की ओर से लगातार आंसू गैस के गोले दागकर ये जो वहां पर किसानों का संख्या बल दिखाई दे रहा है, उसे तितर बितर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अनाउंसमेंट्स की तस्वीरें आप आ रही है सामने से कि अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, और लगातार इस बात की गुहार लगाई जा रही है कि आप गाड़ियों पर मत चढ़ें, आप किसी तरीके से वहां पर उपद्रव मत मचाएं। वहां पर अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सही से करें। बार बार इस बात की भी अपील की जाती रही है कि भारी भरकम मॉडिफाइड ट्रक और कारें लेकर आने की क्या जरूरत है। अगर आपको बातचीत ही करनी है, अगर आपको ट्रैवल करना ही है, तो बस का भी तो सहारा ले सकते हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर की, खनौरी बॉर्डर की, दोनों ही हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरिंग इलाके हैं। और ऐसे में एक डबवाली बॉर्डर भी है, जहां पर हालांकि स्थिति थोड़ी सी शांत है, इतनी हालत खराब नहीं है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर इस वक्त किसान तितर बितर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही हालात खनौरी बॉर्डर पर भी बन गए हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर। एक तरफ सरकार से वार्ता हो रही है, पांचवें दौर की बातचीत होनी है, दूसरी तरफ किसान मानने को तैयार नहीं है। किसान नेता मंच से अपील कर रहे थे, लेकिन कैसे पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा है, टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा है, ये आप इन तस्वीरों को देखिए। और ये जो अनाउंसमेंट पीछे से आप सुन रहे हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि किसानों से विनती है, उनसे वो विनम्र निवेदन करते हैं कि वो पीछे हट जाएं और हिंसा ना करें, शांतिपूर्ण तरीके से ये विरोध होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार ये कह रही है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं है। इसी को लेकर के पंजाब हरियाणा कोर्ट ने भी कल चिंता व्यक्त की थी कि अभी तो सिर्फ पंजाब के किसान हैं, अगर हरियाणा के किसान भी जुड़ जाएंगे तो स्थिति को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो इस वक्त हालात शंभू बॉर्डर में बने हुए हैं, ये दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए थे। फिलहाल के लिए तो दिल्ली कूच उन्होंने टाल दिया है, क्योंकि सरकार की तरफ से फिर से बातचीत का प्रस्ताव आता है। लेकिन आम लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है, और ये कहा जा रहा है, चाहे प्रशासन की तरफ से हम बात करें या सरकार की तरफ से करें, कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए। जब तीन तीन केंद्रीय मंत्री बैठक में मौजूद रहते हैं तो अपनी बातों को रखें, इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। रास्ता जो जैम होता है, आम लोगों को जिनको मजबूरी होती है, जिनको अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है, वो परेशान होते हैं। पहला शंभू बॉर्डर, जिसमें इनको हरियाणा में एंट्री नहीं मिल पा रही है। दरअसल पंजाब से हरियाणा को जोड़ता है शंभू बॉर्डर, और पिछले एक हफ्ते से ज्यादा से हम यही हालात इस वक्त शंभू बॉर्डर पर देख रहे हैं। और फिर तो पुलिस को चिंता करनी पड़ी, क्योंकि जो हरियाणा के डीजीपी ने आज सुबह पंजाब के डीजीपी को खत लिखा स्थिति को लेकर, क्योंकि जेसीबी पोकलेन मशीनों का विरोध प्रदर्शन में क्या काम है। हम देख रहे हैं खनौरी बॉर्डर पे, आप देख लीजिए कि किस तरीके से ट्रकों को बख्तरबंद गाड़ियों पर तब्दील किया गया है। काफी सारा सामान है उसमें, बोरियां हैं। अगर आपको अपनी आवाज पहुंचानी है, हर नागरिक के ऊपर ये कर्तव्य है, खासकर संवैधानिक कर्तव्य होता है कि वो अपनी बात रखे। लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, आप विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध करिए, लेकिन इस तरीके से मशीनों के साथ, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ, जो कि नेशनल हाईवे में तो ट्रैक्टर ट्रॉली आप ले जा भी नहीं सकते हैं, किसी देश में ऐसा नहीं होता है, ये हाईकोर्ट ने कहा भी था। तो दो तस्वीरें आप देखिए और स्थिति समझिए कि इस वक्त शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर क्या है। क्या इसके जरिए जो इसमें उपद्रवी तत्व मौजूद है, आम किसान की आवाज दब जाती है, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। तो दो तस्वीरें, और दोनों तस्वीरों के जरिए समझिए कि किसानों को कितना भी मनाने की कोशिश की जा रही है, कितनी भी उनकी बात सुनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं है। सरकार बार बार बातचीत की पेशकश करती है, बार बार इनिशिएटिव लेती है, सबसे पहले कदम खुद उठा रही है जिससे कि समाधान निकाला जाए, लेकिन अपनी मनमानी पर किसान अड़े हुए हैं। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, लगभग एक जैसी तस्वीरें दिखाई देंगी, किस तरीके से वहां पर किसानों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं, और वहां पर अनाउंसमेंट्स भी हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि जायज अगर
अगर आपको मांग उठानी है या प्रदर्शन करनी है तो एक जायज तरीका अपनाएं, एक जायज मान रखें, मनमाने तरीके से मांगों को क्या मानना संभव होगा सरकार के लिए भी, ये भी किसानों को अपने आप में सोचना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद सरकार की कोशिश लगातार यही है कि किसानों से बातचीत कर ली जाए, किसान नेताओं से बातचीत कर ली जाए। फिलहाल ये 8 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक तरफ किसानों को न्योता दिया गया कि आप बातचीत करिए, इनिशिएटिव खुद बार बार गवर्नमेंट ले रही है। आज 5वें दौर की बैठक संभव बताई जा रही है कि आज हो सकती है बातचीत का कोई तरीका निकल सकता है। दिल्ली कूच फिलहाल के लिए रुक गया है क्योंकि कहा यह गया था कि 11 बजे के बाद दिल्ली कूच किसान कर सकते हैं। दूसरी तरफ यह 4थी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ड्रोन से बाकायदा निगरानी की जा रही है, चाहे गाजियाबाद बॉर्डर हो या फिर आप यहां पर देखें गाजीपुर बॉर्डर पर, आप डबवाली बॉर्डर देख लें, आप टिकरी बॉर्डर देख लें, हर जगह ड्रोन से बाकायदा निगरानी की जा रही है। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि किसान आंदोलन का फायदा उठाकर बहुत से उपद्रवी तत्व ऐसे होते हैं जो कि वहां पर हिंसा फैला जाते हैं या फिर अपना मोटिव पूरा कर जाते हैं, तो इसलिए ड्रोन से बाकायदा निगरानी की जा रही है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, कड़ी सुरक्षा हो गई है, लेकिन इसका असर दिल्ली पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली थमी हुई नजर आ रही है, भयंकर ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। तो ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख लीजिए, हालात कंट्रोल में नहीं है, हालात अनियंत्रित हो रहे हैं और इसी वजह से पुलिस को आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर जिस पर सभी की नजरें हैं, किसान इस देश के अन्नदाता हैं और शांतिपूर्ण विरोध करना हर देश के नागरिक को अधिकार है, यही कल हाईकोर्ट ने भी कहा। लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से तो हो ही नहीं रहा है, इसी पर आपत्ति सरकार को है, इसी पर आपत्ति प्रशासन को है, इसी पर आपत्ति पुलिस को है कि आप जेसीबी मशीन लेकर के, पोकलैंड मशीनें लेकर के क्या कर रहे हैं। आप शंभू बॉर्डर पर देखिए कि इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। मानव हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, मानव बार बार प्रशासन को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जब बातचीत होने वाली है तो फिर इस तरीके से माहौल को खराब करना, ये कुछ उपद्रवी तत्व है, क्या तस्वीर है? देखिए कौन है ये हम तय नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जब बातचीत चल रही है उस बीच ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान नेताओं ने ही तमाम युवाओं से यहाँ पर अपील की थी कि आप शांति बनाए रखें। और युगल आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग उस जगह से होकर आए हैं जहाँ पर वो अंतिम छोर है बॉर्डर का, और उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद वो रिपोर्ट भी यहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन आप ताज़ा तस्वीरें देखिए और आपको दूसरी ओर हरियाणा पुलिस दिखाई पड़ेगी। देखिए पहले ये हुआ कि किसानों की तरफ से प्रोक्लेन या जेसीबी मशीनें लाई गई थी, उसके बाद हरियाणा पुलिस ने भी पुल के ऊपर प्रोक्लेन और जेसीबी मशीनें यहाँ पर लगा दी है और लगातार उधर से आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन पर उधर से टीयर गैस यहाँ पर छोड़ी जाती है। लेकिन लगातार यहाँ पर अपील की जा रही है उन किसान नेताओं की तरफ से जो मंच पर यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं कि आप संयम बरतिए, क्योंकि आपके जत्थेदार, आपके किसान, आपके लीडर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना है, थोड़ा सा शांत रहना है। क्योंकि हमने देखा था 13 तारीख को जो कुछ हुआ था उसके बाद 4-5 दिन ना तो किसानों की तरफ से कुछ हुआ था, ना ही कोई हिंसा हरियाणा पुलिस की तरफ से हुई थी। लेकिन आज क्योंकि दिल्ली कूच का ऐलान था 11 बजे के आसपास, उसके बाद जब कोई सरकार की तरफ से संदेश नहीं आया था तो दिल्ली कूच करने की कोशिश की, और जैसे ही सरकार की तरफ से संदेश यहाँ पर मिला है तो एक बार फिर से यहाँ पर शांति बरकरार करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मानव आपसे ये समझना चाहेंगे, कल हमने देखा था कि हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई थी कि इतने प्रदर्शनकारी कैसे एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार स्थिति को भांप नहीं पा रही है? देखिए भगवंत मान और हरपाल सिंह चीमा पंजाब के कृषि मंत्री, ये वो लोग हैं जो किसान नेताओं की और सरकार की बैठक में मौजूद रहते हैं, और एक तरीके से खुले तौर पर नहीं लेकिन पंजाब सरकार का समर्थन किसान आंदोलन को रहा है। एमएसपी गारंटी कानून पर आम आदमी पार्टी अपना पक्ष पहले ही रख चुकी है, लेकिन आप चाहे हरियाणा सरकार ले लीजिए या पंजाब सरकार ले लीजिए, बीते 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान जरूर आता है, पंजाब के ना तो कोई मंत्री बयान दे रहे हैं ना ही हरियाणा सरकार के कोई लोग बयान दे रहे हैं, तो दोनों ही ओर से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन जो बॉर्डर पर फंसा हुआ है वो किसान है, वो लोग फंसे हुए हैं, साथ ही साथ उनके फंसने के चलते आसपास के लोगों को दिक्कत तो होती है, जाहिर सी बात है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि किसानों ने सड़कें जाम की हैं तो किसान उसके जवाब में ये कहते हैं कि सड़कें हमने जाम नहीं की है, सड़कें तो हरियाणा पुलिस ने जाम की है, उन्होंने बैरिकेड लगाया हुआ है, आप हमें शांति पूर्ण तरीके से दिल्ली जाने दीजिए। तो ये तमाम तरह की बातें इधर उधर से आती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 5वें दौर की बातचीत के लिए इस वक्त समय निकालने की कोशिश की जा रही है, और समय क्या होगा ये बहुत जल्द अपडेट भी कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ में 5वें दौर की बैठक हो सकती है बकायदा, लेकिन ट्वीट करके मानव बात तो यही है जो 5वें दौर की बातचीत को लेकर दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम था वो पोस्टपोन कर दिया गया, फिलहाल रुका हुआ, तो ऐसा क्या हो जाता है बीच बीच में कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं?
देखिए ये बात किसान नेता खुद भी कहते हैं कि हमारी भीड़ का फायदा कुछ खराब मंसूबों वाले लोग उससे इस्तेमाल करना चाहते हैं। और किसान नेता चाहे वो आपके सरवन सिंह पंडेर हो, चाहे वो आपके जगजीत सिंह डल्लेवाल हो, उन्होंने ये बात को माना है कि हमारी भीड़ में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो माहौल खराब करते हैं। ऐसे में अपने वॉलंटियर्स को भी किसान नेताओं ने यह कहा है कि कोई माहौल खराब करता है तो आप उसे पकड़कर इस मंच के पास लाइए। ये वो गाड़ी है जिसको एक तरीके से मंच के रूप में यहाँ पर तब्दील किया गया है, क्योंकि दिल्ली कूच का आह्वान था, किसानों को यहाँ पर रुकना नहीं था, इसलिए कोई स्थायी मंच ना लगाकर एक अस्थायी तौर पर टेम्परेरी यहाँ पर एक मंच ये लगाया गया जहाँ से संबोधन हो रहा है। लगातार अपील की जा रही है कि आपको उग्र नहीं हो रहा है, कोई माहौल खराब करता है तो आप उसको हमारे पास लेके आइए। और ये वो समय है जब बातचीत हो रही है। अभी तकरीबन 3 से 4 बार ऐसा हुआ है कि 15 से 20 आंसू गैस के गोले 3 से 4 बार हरियाणा की तरफ से पुलिस की तरफ से छोड़े गए हैं। और जब आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो किसान अपने आप को बचाने के लिए, प्रदर्शनकारी अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से पीछे की ओर भागते हैं, तो एक भगदड़ जैसा माहौल भी यहाँ पर देखने के लिए बन जाता है। बिल्कुल मानव, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है ये कौन वो लोग है जो माहौल को खराब करते हैं जिसकी वजह से पुलिस को टियर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है, इस वजह से आम किसान की आवाज दब जाती है। बिल्कुल, देखिए किसान है जाहिर सी तौर पर, तभी सरकार उनसे बार बार बातचीत करने के लिए जा रही है, लेकिन भीड़ का जरूर कुछ लोग फायदा उठाते हैं। ये बात सरकार ने भी कही है, हरियाणा पुलिस ने भी कही है, और किसान खुद कहते हैं वो तो उसी चीज से बचने के लिए यहाँ पर इस भीड़ को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके लीडर्स तो गिने चुने हैं और आपके आह्वान पर